तुम? हाँ मैं सरप्राइज्ड। नहीं होना चाहिए था? नहीं, अचानक किसी को देखकर हैरत तो होती है, लेकिन अच्छा भी लगता है ना पुराने दोस्तों से मिलकर। और ये कैसे हो सकता है कि मैं पाकिस्तान आऊं और तुमसे ना मिलूं? सही कह रही हो, बैठो। What happened? कैसे हुआ ये? कुछ नहीं, गाड़ी की मामूली सी टक्कर हो गई थी। मामूली सी टक्कर? बिल्कुल नहीं बदले तो। बड़ी बड़ी चीजों को लाइटली लेना। तुम कह रही हो मुझे बदल जाना चाहिए था। बदलते तो हम हैं, कभी वक्त के साथ साथ और कभी हालात की वजह से। बहुत समझदार हो गई हो। हाँ थोड़ी बहुत, सादिया आंटी का पता चला। आई एम सो सॉरी बासित, बहुत अफसोस हुआ। मैं तुम्हारे लिए कुछ मंगवाता हूँ। ओके। क्या करेंगे, फुटपाथ पर सोएंगे, सड़कों की खाक छानेंगे, क्या करेंगे? हाय या अल्लाह। अब और परेशान मत हो, बीपी आपका वैसे ही बड़ा हाई हुआ है, 140 पे पहुंचा हुआ है। ऐसे बैठे बैठा है तो कुछ ठीक नहीं होगा बानो। वो आदमी कहकर गए हैं कि अगर हमने एक हफ्ते में घर नहीं खाली किया तो वो पुलिस को ले आएंगे। कुछ नहीं होगा ऐसा, मुझे बताएं कहां है उसकी एजेंसी, मैं बात करती हूँ जाके। मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ, जफर फोन नहीं उठा रहा मेरा। आप रहने दें, अभी तबीयत आपकी ठीक नहीं है, भी आराम करें। कैसे बैठ जाऊं, कैसे रहने दूं? कुछ 4-6 हज़ार की बात नहीं है, पूरे 75 लाख दिए थे बासत ने, और मैंने अपने हाथों से उसे जफर को दे दिए थे। तो ये तो घर खरीदने से पहले सोचना था, घर वालों से सबसे छुप छुपा कर आपने सारी की सारी पेमेंट एक साथ कर दी जफर को। माँ ऐसे किसी बाहर वाले पे एतबार नहीं कर लेते। मुझे क्या पता था कि वो जाली काम करता है। हाय मेरा बरसों का ख्वाब था ये घर, एक ही आसरा था बासत, उसने भी मुंह मोड़ लिया। मैं कितनी बदकिस्मत माँ हूँ, मेरी बेटी का घर टूट रहा है और मैं कुछ नहीं कर सकी। जिंदगी में एक खुशी रास नहीं आई मुझे। या अल्लाह मैं क्या करूँ, किसके सामने जाकर हाथ फैलाऊं, किससे मदद मांगू? मेरे मौला मेरी मदद कर। मदद मिल चुकी है आपको। अल्लाह करे मुझे मौत आ जाए, तुम सब लोगों की जान छूट जाए मुझसे। कैसी बातें कर रही हो भाभी, क्या हो गया? अच्छा अच्छा बोलो। मैंने तो कभी अपनी बेटियों का बुरा नहीं चाहा, मैंने तो यही चाहा जिंदगी में कि हमें एक छत मिल जाए, मैं अपनी बेटियों के साथ की जिंदगी गुजार सकूं, यूं दर बदर ना हो। क्या बुरा चाहा मैंने, एक घर चाहा था मैंने। एक दफा अगर मशवरा कर लेती घर वालों से तो ये सब ना होता। अगर मेरी जगह तुम होती और तुम्हें बासित इस तरह के डील की ऑफर करता तो क्या करती तुम? बासित ने ऑफर की थी, मुझे तो लगा था आपने मांगे हैं पैसे। तो ये शादी सिर्फ एक डील है? हाँ, इन बड़े लोगों को हमारी मजबूरियों से फायदा उठाना खूब आता है। चारे आयशा को अगर ये बात पता चल गई तो बहुत तकलीफ होगी। अबे यार पीछे खड़ा है, पीछे से आओ। तुम बस अपने फारी किस्म की गेम्स खेलते रहना। और तुम जो रोज नए नए मास्क लगा के मुझे डराते रहती हो, मैंने कभी कुछ कहा? ये कोई फिजूल शौक नहीं है, हर लड़की अपनी स्किन और चेहरे का ख्याल रखती है। ओहो
बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। तुम एक काम करो, तुम हर वक्त यही मास्क लगा के फिरा करो, अच्छी लगती हो। तुम्हें किसने रोका है? मुझे लगा था तुमसे शादी करके ऐश करूंगी। इकलौते बेटे हो, तुम्हारे माँ बाप का सब कुछ तुम्हारा है, पर नहीं, यहाँ तो सब उल्टा है। पता थोड़ी था कि टके टके कि तुम अपने माँ बाप के मोहताज हो, मुझे भी अपने जैसा कर दोगे। छली थी ऐश करने, ख्वाहिशें पूरी करने, लेकिन यहाँ हसरत ही रह जाएगी। हेडफोन्स, सब कुछ देता हूँ मैं तुम्हें, किस चीज की कमी है? किस चीज की कमी? सांस तक खुद नहीं ले सकती मैं यहाँ। बड़ा आया सब कुछ ला कर देगा। क्या कहा बासित ने? कुछ नहीं, तलाक की बात नहीं की। वो शख्स ना मुझे वक्फे वक्फे से बुलाकर अज़ियत में डालता है। मुझे नहीं मालूम उसको चाहिए क्या। उसकी आजमाइश किसी आजमाइश से कम नहीं। जैसे मुझे स्लो पॉइजनिंग के साथ वो मार रहा है। और तलाक की बात नहीं की उसने? वो मुझे उलझा रहा है बानों में। कैसी उलझन? मजाक बना के रखा हुआ है इस रिश्ते को। मैं होती ना तुम्हारी जगह इतना सुनाती याद करता। मैं उसके लिए बस मामूली हूँ, बहुत मामूली हूँ। खास बस वो है, उसके दोस्त हैं, उसके फैसले हैं। तुम उसकी नजरों में अहम होना चाहती हो तो आयशा सबसे पहले खुद को अहमियत देना सीखो। अब उसके बुलाने पे मत चली जाना। क्या हो गया आयशा? उस कमजोर इंसान के लिए क्यों आंसू बहा रही हो तुम? अपनी बेइज्जती पे रो रही हूँ यार। बस उसने जाने से पहले मुझे अपार्टमेंट के कागजात दे दिए। मेरे नाम फ्लैट कर रहे हो। मैंने भी उसके मुंह पे मारे वो कागजात। आगे कहता है कि मैं तलाक के बाद फ्लैट में खुश रहूंगी। क्यों कर रहा है वो ये सब? मतलब परवाह उसे तुम्हारी है नहीं, उसे शक भी है तुम पर, तो फिर ये सब क्यों? मुझे नहीं पता, मुझे उसका कुछ नहीं चाहिए। वो शख्स हमेशा मुझे नीचा दिखाता। आयशा, ऐसा भी तो हो सकता है कि वाकई उसके दिल में कोई एहसास जागा हो। बानो, उसके पास दिल नहीं है। तो फिर क्यों बात बढ़ा रहा है वो? मुझे नहीं पता, खेल रहा है। मैं अपने साथ कोई कीमती चीज नहीं लेके गई। मुझे अंदाजा हो गया था ये सब वक्त ही। मैं ना मुंह खोली, मैं ना कुछ बोली। दो गलतियां होती नहीं और आप मेरे हाथ में ऐसे एनवेलप पकड़ा देते जैसे इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। या तो फिर आप बार बार मुझे मेरी औकात याद दिलाना चाहते हैं। शादी भी तो आपने इसीलिए की ना, ताकि आपको कोई फायदा हो जाए। अब फिक्र मत करें, आपके साथ गुजारे हुए वक्त का कोई मुआवजा नहीं, कोई कीमत नहीं चाहिए मुझे। ये मेरी अंगूठी? कहाँ रखी थी तुमने? मैंने यहाँ अपने सेफ में। और कहाँ? वाजिद? हाँ? अरे वाजिद, वो इसमें से मेरे पैसों में से की गड्डी गायब है। अरे ठीक से देखो, होंगे उसमें। नहीं है ना, मैं देख कर आई हूँ। आपने मुझे दिए थे, मैंने इसी में रखे थे। तुम्हें कहा था संभाल के रखना। जाओ देखो जाके दोबारा। अरे मैंने देखा है। ऐसे कहाँ जा सकते हैं?
या अल्लाह। आमिर, आमिर, आमिर दरवाजा खोलो। आमिर, ओहो दरवाजा खोलो भाई। एक सेकेंड। जी अम्मी, क्या? हटो, कहाँ है तुम्हारी बीवी? क्या हुआ है अम्मी? चोरी हुई है घर में, और क्या हुआ है? चोरी? क्या चोरी हुआ है? अरे मेरे लॉकर से 1,00,000 रुपए गायब हुए। अरे घर से कहाँ चले गए? कौन आया था? किसने उठाए बताओ? अरे कोई नहीं आया था अम्मी। अरे इस घर से आज तक 1 रुपया इधर से उधर नहीं हुआ। बाल की पिन से लेकर सुई तक चीज इधर से उधर नहीं हुई, तो फिर ये कहाँ चले गए 1,00,000 रुपए? 1,00,000 रुपए कोई छोटी रकम नहीं होती। कौन लेके गया होगा हमारे घर से? तुम चुप रहो, जानती हूँ मैं बहुत अच्छी तरीके से। देखो लड़की, मेरे साथ कोई खेल खेलने की कोशिश मत करना। क्या कह रही हैं आप? आपको मुझ पर शक है? अम्मी आप बिला वजह। अरे चुप रहो तुम जानती थी तुम्हारे सामने वाजिद ने मुझे पैसे दिए थे और मैंने लॉकर में रखे थे। हटो आगे से। तो इसका मतलब आप मुझ पर इल्जाम लगाएंगी? तुम्हारी माँ मुझ पर शक कर रही है। अभी साबित हो जाएगा। आप मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही हैं। तुम्हारी माँ मुझे चोर कह रही है। अम्मी जोया ऐसा क्यों करेगी? हाँ शक है तो तलाशी तो लूंगी मैं। ले ले तलाशी। आमिर क्या मतलब ले लें तलाशी? इन्हें मेरी बात पर यकीन नहीं? तुम तो सच्ची हो ना, तो फिर क्यों घबरा रही हो तलाशी लेने से? तलाशी तो मैं लूंगी। ले लेने दो तलाशी, वरना ऐसे इनको यकीन नहीं आएगा। तुम्हारी अक्ल पर तो पत्थर पड़ गए आमिर, तुम्हें तो कुछ समझ ही नहीं आया। ले ली ना आपने तलाशी, अब होगी तसल्ली? देखो तुम अपनी बीवी को समझा दो कि अगर इसने इस घर में रहना है तो शराफत के साथ रहना है। बेटा तो मेरा बहुत भूला है, इसको तो तुम बेवकूफ बना सकती हो, लेकिन मैं नहीं बनूंगी तुम्हारे हाथों बेवकूफ, समझे तुम? मम्मी आप इस वक्त गुस्से में, थोड़ा रिलैक्स हो जाए, पैसे मिल जाएंगे। किससे लिए? घर में सिर्फ 4 लोग हैं, तुम्हारे अब्बू लेने से रहे, तुम लेने से रहे, मैं लेने से रही, रह गई ये ना, इसी ने लिए होंगे बस। नहीं लिए मैंने पैसे। ले ली ना तलाशी आपने, कुछ मिला? मिला तो बीबी कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं साबित करके रहूंगी कि पैसे तुम ही ने लिए, समझी तुम? मैं ना कुछ बोल।